तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक अभी बैन हो चुका है इंडिया में, तो जितने भी तुम लोग टिकटॉकर्स थे ना, जो सब बोलते रहते थे भाई एंगेजमेंट का रोप झाड़ते थे, भाई हम टिकटॉकर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, हम लोग का बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, #Moscow #skirt, ये सब अब क्या करोगे दिखा के, सब गया मेरे बच्चे। तुम लोग अभी एक ही काम कर सकते हो, जाओ और इंस्टाग्राम पे मुजरा शुरू कर दो। इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन है तो मुझे भी बताना जरूर, हमको भी करना है क्योंकि ये चिटिया पे तो करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, व्यूज तो तुम लोगों को भी चाहिए, है ना मेरे बच्चे, बुझो 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 बहुत सारी के अब लो लग गए तुम लोगों के, लाइक की भी लग गया, बीगो भी लगा, हेलो भी लगा, अब तुम लोगों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा जहाँ पे तुम लोग मुजरा करो, अब जाओ जाके रास्ते पे नचना शुरू कर दो और बोलो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक नहीं रहा तो क्या हुआ, अपना तो काम है नंगा होके नाचना, वो तो हम करेंगे ही, लड़का को लड़की बन जाएंगे, लड़की लड़का बन जाएगी, दोनों मुजरा करेंगे और लोगों को हंसाएंगे, चुतिया पे करेंगे और यूट्यूबर से तो पंगा लेना ही है, बकचोदी तो करना है और ट्रांजिशन बनाने में तो टाइम लगता है, 4 घंटा मिनिमम लग जाता है भाई, तुमको नहीं पता पर हम को लग जाता है, #Moscow #TeamNapab #suicide को prevent करने के लिए हम लोग और भी ज्यादा दिखाएंगे, जबकि हम दिखा रहे हैं वहां पे एसिड अटैक और ऐसा वैसा, क्या मजा है, हम लोग तो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ हमारा तो ब्लू टिक भी है, ब्लू टिक का अपलोडे लग गए बच्चे, अब क्या करोगे ब्लू टिक के, हाँ लो जानवरों के हाथ पर बांध के उनको पानी में डुबो डुबो के मार रहे थे ना, वीडियोस कहाँ पे दिखाओगे वो सब, कहाँ पे दिखाओगे वो सब, कहाँ दिखाओगे, प्लेटफॉर्म तो नहीं रहा, यूट्यूब पे आने की गलती मत करना वरना वहाँ पे तुम लोग के एल लग जाएंगे, लोगों तो वैसे भी तुम पे गुस्सा है, इतना डिसलाइक मिलेगा गिनीज ऑफ बुक में ही तुम लोगों का नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी तुमको डिसलाइक मिलेगा भाई। 2020 ना तुम लोगों के लिए बहुत बुरा रहा, पहले तो साला ये कोरोना, उसके बाद ये रंडी रोना, अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट शुरू कर दो ना, जाओ रास्ते पे निकल पड़ो और उसके बाद जो पुलिस वाले तुम लोग के बैंड बजाएंगे ऐसे ना तुम लोग 400 साल तक भूल नहीं पाओगे, समझ के तुम्हारा आत्मा तक भी बोलेगा ना ऊपर जाके पंगा नहीं लेना था उन लोगों से, अब लो हो गया मेरा कचरा, समझ के टिकटॉक एक्चुअली में इतना भी टॉक्सिक नहीं है जितना हम लोग को लगता है, क्योंकि हर कॉइन का 2 पहलू होता है, वैसे ही हर एप्लीकेशन का 2 पहलू होता है, एक जगह पे लोग चुतिया पे करते भी हैं तो दूसरे जगह पे लोग अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं, पर इंडिया में बहुत चुतियापा वाला पार्ट ज़्यादा था और ये जो था लोगों को यही देखना था, इसीलिए अच्छी चीज़ें जो थी टिकटॉक में वो लोग देख नहीं पाते थे, अभी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अब देखते हैं आगे क्या होता है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो लोगों को पहले तकलीफ होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग शॉर्ट आउट करना सीख जाते हैं, उसके साथ रहना सीख जाते हैं, तो वैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है भाई, यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ है, तुम लोगों को व्यूज़ भी अच्छा मिलेगा, तुम लोगों को पैसे भी मिलेंगे, तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा भाई, तो तुम लोग यूट्यूब पे आ जाओ, पर भाई टॉक्सिसिटी यूट्यूब पे मत फैलाओ, अच्छे चीज़ें दिखाओ, लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोग कुछ एजुकेशनल थिंग्स दिखाओ, तुम लोग कुछ साइंटिफिक थिंग दिखाओ, फनी थिंग दिखाओ, एंटरटेन करो, पर टॉक्सिसिटी मत फैलाओ, ठीक है, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको टिकटॉक बनने मत दो प्लीज़, और इतना बोल के मैं आज बस वीडियो इतने में रखने वाला हूँ, क्योंकि और कोई कंटेंट ही नहीं है अभी बोलने के लिए, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, मैं क्या ज़्यादा बोल के क्या उखाड़ लूँगा, तो बस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तो मुझे चाहिए ही, न्यू यूट्यूबर हूँ तो सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और तुम लोग बताओ कमेंट में मुझे बताओ कि तुम लोगों को और क्या क्या देखना पसंद है, जो बोलोगे मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो, मेरा वादा रहा तुम लोगों से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।